दमोह में आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है। घटना मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे की है। तेजगढ़ थाने की इमलिया चौकी के 2 गांवों में आकाशीय बिजली गिरने से 6 ग्रामीण चपेट में आ गए। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं हटा और पटेरा में भी एक एक युवक की मौत हो गई। 4 अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की जान चली गई है। घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ ने शोक व्यक्त किया है। आज करीब हमारे चौकी प्रभारी का फोन आया था शाम 6:30 बजे करीब कि ग्राम छोटी लंबी है चौकी क्षेत्र में, वहाँ पर आकाशीय बिजली गिरी है और कुछ लोग घायल हो गए हैं और कुछ की मौत की, उसमें संख्या क्लियर नहीं था। फिर उसकी तस्दीक किया तो वहाँ पे छोटी लंबी गांव के यादव परिवार के 3 सदस्य गाज गिरने से जिनकी मौत हो चुकी है, एक गंभीर रूप से घायल है। माता पिता खत्म हो चुके हैं, एक लड़का उनका खत्म हो चुका है, एक लड़का गंभीर रूप से घायल होकर भी भर्ती है। रास्ते में आते समय एक सूचना और प्राप्त हुई कि ग्राम दवा में भी उसी समय बिजली गिरी थी, जहाँ पे 2 लोग खत्म हो चुके हैं, अभी रास्ते में अस्पताल आ रहे हैं, आदिवासी समाज के हैं। कुल चौकी क्षेत्र से 5 लोग खत्म हो चुके हैं, एक गंभीर रूप से घायल है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता अर्पित। अर्पित, क्या कुछ जानकारी है? 7 लोगों की मौत हुई है, बड़ी घटना है, क्या कुछ कहेंगे? जी विकास जी, मैं आपको बता दूं कि तेजगढ़ थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम हर्रई के आसपास लगभग 7 लोगों की मृत्यु हो गई आकाशीय बिजली गिरने से। और जब इस मामले की घटना वहां के थाना प्रभारी को लगी तो तत्कालीन वह घटनास्थल पर पहुंचे और समस्त ग्रामीणों को लेकर जितने भी मरीज थे उनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया अर्पित इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की एक खबर दमोह से है, जहां आकाशीय आपदा के कारण 7 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई है, जिसे लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी ट्वीट कर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं।